नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हुज ए कॉमा बी बिलोंग टू, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज ऑल इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। अगर ये जीरो है तो इसके रूट्स इमेजिनरी है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जीरो है तो इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। तो आपको पूछा देन द रूट्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको पता है कि अगर रूट्स इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस फोर बी लेस देन जीरो होगा, राइट। इसको आप वैल्यू लेके भी कर सकते हैं और मेथड से भी करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे एफ एक्स रखेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, पर वैल्यू लेके करने पे आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो आप क्या करो, कुछ भी, जैसे आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो लिया, देखिए इसके रूट्स भी इमेजिनरी है क्योंकि बी स्क्वायर होगा फोर माइनस ट्वेल्व, इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो आपने ए को कितना ले लिया टू और बी को ले लिया आपने थ्री। अब इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका डिफरेंशिएशन करिए टू एक्स प्लस टू प्लस डबल डिफरेंशिएशन टू। अब इसको जब जीरो से इक्वेट करते तो देखिए क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फोर प्लस थ्री कितना सेवन इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके रूट्स कैसे हैं तो आप बोलेंगे 16 माइनस 28 यानी लेस देन जीरो। तो इसके रूट्स भी क्या हुए इमेजिनरी। ए बी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता था, इमीजिएटली एक्शन लेना भी आना चाहिए कि कहां पर किस ढंग से हम क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है, जिन पे आपको फोकस करना है जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़ सके। क्लियर है बात? तो यहां पर ए बी की जगह आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लो जिससे रूट इमेजिनरी निकल रहा हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें आपका कंक्लूजन मिल जाएगा और इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए कि आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। नोट करिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ वन रूट ऑफ थ्री सेवन एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स सेवन थ्री इज माइनस टेन, राइट। अगर एक रूट माइनस टेन है तो बचे हुए टू रूट क्या होंगे। अगर आप वैसे लॉजिकली देखो तो आपको समझ में भी आता है, अगर इसको ऐड करो 3 प्लस सेवन टेन प्लस एक्स होता है, इसलिए x की एक वैल्यू माइनस टेन आ रही, खैर वो गिवन है। अब अगर हम अगली वैल्यू देखें तो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करें, कई बार हमारे लॉजिक कंसेप्ट प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप अगर इसे मेथड से सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमको ये पता है कि टू रो टू कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो होता है। अगर मैं यहाँ थ्री रख दूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ थ्री रखा तो थ्री थ्री सेवन सेवन थ्री थ्री, यानी दो कॉलम आइडेंटिटिकल, यानी एक रूट थ्री तो होगा, ये कंफर्म हो गया, हम एक कंफर्म हो गया कि एक रूट थ्री होगा ही होगा। अब दूसरा एक और बात देखिए, अब सेवन और थ्री के कॉम्बिनेशन, अगर मैं अगला रूट सेवन ले लूं यही होना चाहिए क्योंकि थ्री सेवन सेवन, राइट। यहां पर क्या आएगा सेवन सेवन थ्री और यह आएगा फाइव सेवन फाइव। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, यानी दिस इज द राइट आंसर, राइट। यानी क्वेश्चंस को किस ढंग से आप सॉल्व करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप यहां सेवन लिखेंगे कॉमन लेंगे तो सेम आपको रिजल्ट मिलता चलेगा, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव एंड पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ अ जीपी रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लॉग एक्स पी वन लॉग वाई क्यू वन लॉग जेड आर वन। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा पता है जीरो आंसर देता है, क्यों देता है समझिए। ये वन है, ये वन है, अब वन 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 लिखा है एक बात। अब अगर आपको बोला है कि एक्स वाई जेड पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म है तो जब आपसे मैं बोलूंगा कि पी एथ टर्म निकालो तो आप बोलते ए आर की पावर पी माइनस वन दिस इज एक्स। ऐसे ही आप क्यू एथ टर्म भी बोलते ए आर की पावर क्यू माइनस वन वाई, ये वाई होता, और ऐसे ही आप बोलते ए आर की पावर, अब आर की जगह आप चाहो तो कैपिटल आर लिख लेना नहीं तो इस आर में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, राइट। ए आर की पावर R माइनस वन इक्वल टू जेड। जब आप यहां पर ये रखेंगे तो देखिए log की प्रॉपर्टी लगेगी, log m प्लस n, log m इंटू n, तो log m प्लस log n, तो log a log a log a सब में मिलेगा, टू कॉलम आइडेंटिटिकल वैल्यू जीरो। ऐसे ही इसमें भी log r log r log r और p माइनस वन q माइनस वन आगे मिलेगा, देन अगेन टू कॉलम सेम, देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो आप, इसी क्वेश्चन को कोई मेथड से सॉल्व करे तो कितना टाइम लग सकता है आप समझ सकते हो। यही टेक्निक्स है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है आपकी,
पूरा सब कुछ कंसेप्ट इस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन इस पर डिपेंड करता है, और वो चीज आपको डेवलप करना चाहिए। दूसरी एक और बात कि कोई पेपर टफ नहीं होता, डिपेंड करता हमने किस ढंग से अपना फाउंडेशन डेवलप किया है, कैसे हमने अपने बेसिक्स को कवर किया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और टफ बोल बोल के हम बना देते हैं, टफ नहीं होता, ना जेई का पेपर टफ होता है, ना बिट्स का पेपर टफ होता है, ना कोई भी एग्जाम का। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको बनेगा, नहीं पढ़ा तो आपको सिंपल से सिंपल चीज भी टफ लग सकती है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 1 1 x -1 x -1 x 1 1 हैज नो इनवर्स, नो इनवर्स मींस ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, वो कब होगा? जब डिटरमिनेंट जीरो होता है। अब इसके डिटरमिनेंट को जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स। बट अगेन सॉल्व करने का टाइम वेस्ट ना करें, पहले प्रॉपर्टी चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कॉलम सेम हो, अगर ध्यान दो तो ये 1 1 1 है, 1 1 1 है। अगर मैं एक्स की जगह 1 रख दूं तो ये 2 कॉलम और ये 2 कॉलम आइडेंटिटिकल, then value of determinant will be zero, then this is the correct answer. अब क्या होता है कि आपको ये बोला है कि A inverse exist नहीं कर रहा, determinant को zero करना है। अब आप इसको लिखते हो determinant की form में। सबसे पहला, ऐसी छोटी छोटी steps हमारे को time हमारा kill करती हैं, और इस चीज को आपको अपने आप को save करना है। फिर आपने solve करना start किया, zero से equate किया, no need conceptually strong हो, आपको question कैसे solve करना है वो चीज अपने आप से develop करनी है। note करिए question। yes, next question देखते हैं, देखिए क्या है। The locus of z satisfying the inequalities 2 plus z plus 2 iota upon 2z plus iota less than 1। अब देखिए यहां पर given भी था question में z equal to x plus iota y, और ना भी हो तो z को हमेशा यही लिया जाएगा। अब आपसे पूछा है कि किस ये inequalities दिए, तो आप इसका क्या करिए, simple मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, देखिए x plus iota y, टाइम सेव करना है आपको, आप बिल्कुल डायरेक्टली ही लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए तो देखिए क्या मिलेगा। रियल पार्ट जो है वो एक तरफ हो जाएगा, इमेजिनरी एक तरफ, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां पर होगा 2x यानी 4x स्क्वायर, ये लेस देन है 4x स्क्वायर प्लस 2y, तो ये आएगा कितना 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए पूरा, एक तरफ ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, आंसर भी इसी फॉर्म में दिया 4y प्लस 4 लेस देन, बोलिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, राइट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ऑफ 1। यस, फिर क्या हो जाएगा, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।